जिंदगी जिंदाबाद। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। कहते हैं, रोग गर इश्क का हो तो बर्बाद कर देगा, मगर रोग अगर किताबों का हो तो आबाद कर देगा। कहते हैं, इश्क ऐसा नशा है, जब ये हावी हो जाता है तो कोई भी दवाई इस पर प्रभावी नहीं होता है। कुछ रोग तो ठीक नहीं होते हैं, तो आइए एक बीमारी जो चर्चा में है, जिसको सावधानी रख करके क्या किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। इसमें है चमकी बुखार। चमकी बुखार ये गर्मी के मौसम में, जून के महीने में, लीची पकने के दौरान ये खबरों में बना रहता है। और अभी वो मौसम आए उससे पहले ही बिहार सरकार द्वारा इसको लेकर के 3 धमकियां जारी की गई हैं, इसीलिए और ज़्यादा चर्चा में रहा ये। तो आइए जानते हैं ये क्या है। अगर चमकी बुखार कहता है, इसको अन्य किन किन नामों से जानते हैं? इन्हें AES, जिसे हम लोग कहेंगे एक्यूट एंसीफ्लाइटिस सिंड्रोम। एक्यूट एंसीफ्लाइटिस, एंसीफ्लाइटिस कह रहा है, इसका मतलब ये मस्तिष्क ज्वर की और बात कर रहा है, दिमागी बुखार के बारे बात कर रहा है। ये तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। इसे जापानी एंसीफ्लाइटिस के नाम से जानते हैं, क्योंकि जापान में इसी तरह का एक वायरल बुखार प्रचलन में है, इसलिए इससे तुलना की गई है। इसका अन्य नाम मस्तिष्क ज्वर और दिमागी बुखार बोले। क्या होता है इस बुखार में? शरीर में झटके पड़ते हैं, इसलिए स्थानीय बोलचाल की भाषा में इसे चमकी बुखार कहा जाता है। कब होता है? तो लीची पकने के मौसम में यह बीमारी फैलती है, जून के मौसम में विशेषकर। क्यों फैलती है? क्योंकि लीची में एक टॉक्सिन, एक विष पाया जाता है, जो कुपोषित बच्चों को प्रभावित करता है। तो क्या स्वच्छ बच्चे या स्वस्थ व्यक्ति खाने से इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। जिसका इम्यून सिस्टम अच्छा है तो उसका अच्छे तरीके से सामना कर लेता है उस टॉक्सिन का। तो ध्यान में रखा जाना चाहिए, जनरली 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे इस बीमारी से क्या होते हैं? प्रभावित होते हैं। चूंकि लीची सिटी ऑफ बिहार कहलाता है मुजफ्फरपुर, और ज्ञात होना चाहिए कि मुजफ्फरपुर के मुसहरी में ही क्या है, लीची अनुसंधान केंद्र है, और मुजफ्फरपुर में इसका प्रभाव अधिक देखने के लिए मिलता है, और उसके आस पड़ोस के क्षेत्रों में भी ये चमकी बुखार का प्रभाव देखने के लिए मिलता है। आप लोग बताएंगे, चमकी बुखार का जो नाम है वो किस देश के नाम पर इसका नामकरण भी किया गया है? आप लोग कमेंट में उत्तर देंगे। अब जानेंगे हम लोग क्या इस बीमारी में मस्तिष्क यानी तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। प्रश्न आता है, अगर तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो तो वैसी स्थिति में कैसे कैसे लक्षण देखने के लिए मिल सकते हैं? तो इसके लक्षण मिलेंगे, बुखार हो सकता है, उल्टी हो सकता है, दर्द शरीर में रह सकता है, सर दर्द रह सकता है, झटके पड़ते हैं, शरीर में ऐठन और अकड़न, बेहोशी हो सकती है, मिर्गी के लक्षण यानी दौरे पड़ने की स्थिति हो सकती है, मरीज कोमा में भी जा सकता है, और ये बीमारी अगर ज़्यादा घातक रूप ले ले तो मृत्यु तक भी हो सकती है। तो इन लक्षणों को देखते हुए सावधानी बरतने के लिए बिहार सरकार द्वारा हाल ही में एक पहल किया गया है। 1 अप्रैल 2024 को बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा चमकी बुखार से बचाव के लिए 3 धमकियां जारी की गई हैं। और ये 3 धमकियां कौन कौन सा है तो ध्यान में रखिएगा, खिलाओ जगाओ अस्पताल ले जाओ, खिलाओ जगाओ अस्पताल ले जाओ, हॉस्पिटल ले जाना है। हाँ, होश में है तो नहीं, बेहोश हो जाए तो स्थिति, ये बुखार देखे तो। ये क्या है 3 धमकियां? खिलाओ, ध्यान रखना है बच्चे को। आप लोग का कमेंट में उत्तर आना चाहिए, कितने वर्ष के उम्र के बच्चों को ये होता है? ऑप्शन में आप लोग को 15 वर्ष से अधिक, 15 वर्ष से कम, आप लोग का उत्तर आना चाहिए कमेंट में। तो 3 धमकियां खिलाओ, इसका मतलब क्या हुआ? बच्चे को कभी भी रात में भूखे नहीं सोने देना है,
भरपेट खिला करके ही उसे क्या करना है, सुलाना है। तो ये हुआ खिलाओ। जगाओ में क्या हुआ, रात रात में बीच में बच्चे को जग करके देखना है या जगा कर देखना है कि कहीं बेहोश तो नहीं हो गया है या उसे बुखार तो नहीं आ गया है, या सुबह उठने के साथ ही ये देखना है कि कहीं उसमें बेहोशी या कभी देर तक सो रहा है बच्चा, सुबह उठा ही नहीं, तो इसको देखिए कहीं बच्चा बेहोश तो नहीं पड़ा है, और अगर बेहोश पड़ा है तो उसे क्या करना है, अस्पताल ले जाना है, या बुखार है तो उसे अस्पताल ले जाना है। विशेषकर कब, जब चमकी बुखार का, जब लीची वाला मौसम चल रहा होता है, तो अगर इस तरह का लक्षण देखने के लिए मिलेगा तो। बच्चे में अगर इम्यून सिस्टम कम है तो क्या किया जाना चाहिए, इस तरह का प्रयास किया जाना चाहिए कि लीची उची का सेवन करने पर रोक लगाया जाना चाहिए। स्वस्थ बच्चे खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आइए अब इसी के साथ में हम लोग एक ट्रिकी जीके जान लेंगे, जो ट्रिकी जीके में क्षेत्रफल के अनुसार देशों का घटता क्रम, कौन देश सबसे बड़ा है, उसके बाद कौन है, उसके बाद कौन है, इसको बड़े अच्छे ट्रिक से याद रख पाएंगे। तो कैसे याद रखेंगे हम लोग, क्षेत्रफल के अनुसार देशों का घटता क्रम, रूक चीन, अब आ भारत, आज ही। तो रूक में रू से रूस, क से कनाडा, चीन, फिर अ से अमेरिका, ब से ब्राजील, आ से ऑस्ट्रेलिया, भारत, और आजे से अर्जेंटीना। तो इस तरह से हम लोग देख पाए ट्रिकी वाले पॉइंट पर। याद रखेंगे सभी लोग, भारत क्षेत्रफल में कैवें स्थान पर, 7वें स्थान पर, विश्व के क्षेत्रफल के 2.42% क्षेत्रफल में अपना भारत है। तो ये हम लोग जान पाए, भारत के जस्ट, भारत से जस्ट अगर आपसे पूछेगा छोटा कौन है तो अर्जेंटीना, और अगर पूछेगा भारत से जस्ट, अगर बोले भारत जस्ट किससे बड़ा है तो अर्जेंटीना से, भारत से कितना देश बड़ा है तो 6 देश बड़ा है। तो इस तरह से ट्रिकी वाले पॉइंट को भी हम लोग साथ साथ में जान पाए। और जाते जाते एक प्यारा सा संदेश, कभी कभार हम लोग बहुत सारा चीज बटोरने भी अपने आप को बीमार कर लेते हैं। हमारे महापुरुष पहले ही संदर्भ में कह चुके हैं कि हमें कम से कम इतना संग्रह नहीं करना चाहिए कि अपने शरीर को ही खो दे। इसीलिए कबीर दास कहे हैं, साईं इतना दीजिए दीजिए दीजिए, साईं इतना दीजिए जामे कुटुम समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। इस सोच के साथ अपने जीवन में चीजों को लागू करिए। ख्याल रखेंगे आप लोग अपना। बाय, जिंदगी जिंदाबाद।